अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज ख्वाब। इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब में हाथी देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की तबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, अगर कुंवारा लड़का ख्वाब में हाथी की पीठ पर सवार हो तो अनकरीब उसकी शादी ऐसी औरत से हो जाएगी जो नहायत बदमिजाज होगी। शादीशुदा आदमी के लिए यह ख्वाब दिन के औकात में देखने का मतलब बीवी से अलहदगी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपका किसी के साथ रिश्ता है तो आप उस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपने एक हाथी को मारा है तो मुमकिन है आप किसी ताकतवर और जालिम लोगों के गिरोह में शामिल हो जाएं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि हाथी ने आपके सर पर पांव रखा है और आपकी जान चली गई तो आपकी जिंदगी में बुरे वाकयात रोनुमा होंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप हाथी की पीठ पर सवार हैं और फिर उससे उतरकर दूसरे हाथी की पुश्त पर सवार हो गए तो इसका मतलब है कि आप किसी की खिदमत करना छोड़कर किसी और के पास चले जाएंगे। जाबर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, अगर आपने ख्वाब में देखा कि बड़े बड़े हाथियों का गिरोह कहीं से गुजर रहा है तो आप बड़े और कामयाब लोगों के गिरोह से मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने ख्वाब देखा कि आप एक बड़े हाथी के पास खड़े हैं तो आप जल्द ही अपने लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे जिससे आप तरक्की कर सकेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि एक हाथी आपका पीछा कर रहा है तो आप किसी बड़े वाकये में मुलव्वस होंगे जिससे आपके रूहानी इकतदार और अजमत को खतरा लाहक हो सकता है। इब्राहिम गरमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, अगर आप ख्वाब देखते हैं कि जंग हो रही है और आप हाथी की पुश्त पर सवार हैं तो ताबीर अच्छी है और आप जल्द ही अपने पुराने दुश्मनों में से किसी पर काबू पा लेंगे। अगर ख्वाब में देखा कि हाथी जमीन पर गिरा और मैदान जंग में मर गया तो इसका मतलब ख्वाब देखने वाला जिस मुल्क में रहता है वहां के हाकिम की मौत है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप जंगजू हाथी की पीठ पर सवार हैं जो बहुत पुरसुकून और फरमाबरदार है तो इसका मतलब इक्तदार और क्यादत के मनसब तक पहुंचना है। दूसरी तरफ यह काम की जगह पर बॉस को हटाकर खुद ओहदा संभालने का इशारा हो सकता है। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप हाथी की पूंछ से जमीन पर गिरते हैं तो ताबीर बताती है कि आप एक खतरनाक आफत में मुब्तला हो जाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप हाथी का दूध पी रहे हैं तो आपको किसी आला ओहदे वाले से माल या जायदाद मिलेगी। ख्वाब में मुसल्ला हाथी एक शहर से दूसरे शहर जाता देखने का मतलब हाकिम और बादशाह की तब्दीली है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपका सर हाथी के सर जैसा है तो ताबीर अच्छी है, मुस्तकबिल में आपको माल और दौलत के साथ साथ मकाम और मरतबा भी हासिल होगा। अगर आपने ख्वाब में एक बीमार हाथी देखा तो बेहतर है इस वक्त कोई रिस्की काम ना करें, कोई बड़ा मसला पैदा होने का खदशा हो सकता है। अगर आपने देखा कि आप हाथी का शिकार कर रहे हैं तो आपको अपनी जिंदगी में दोस्तों और प्यारों के साथ अपने रवैये के बारे में मोहतात रहना चाहिए, आपके रवैये और इखलाक से दूसरों को नुकसान पहुंचता है। अगर आपने ख्वाब में अपने घर में हाथी देखा तो ये ख्वाब जाहिर करता है कि आप एक दलेर इंसान हैं और कामयाबी और तरक्की के हसूल के लिए कुछ भी करेंगे। हाथी का बच्चा नए वाकयात और मौजूआत का हवाला दे सकता है जो जल्द ही आपकी जिंदगी में आएंगे। एक छोटा और जवान हाथी एक छोटे मौके की अलामत है जिसे मेहनत करके एक बड़ी कामयाबी में तब्दील किया जा सकता है। अगर आपने अपने ख्वाब में एक हाथी देखा जो दूसरे हाथियों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर बड़ा था तो इसकी ताबीर एतदाल, ताकत और काबिलियत की अलामत है। अगर आपने ख्वाब देखा कि आप चिड़ियाघर में हाथी देख रहे हैं तो इसकी ताबीर बताती है कि आपके आसपास के लोग आपकी कामयाबियों पर रश करते हैं, बेहतर है कि अपनी कामयाबियों को लोगों से छुपाने की कोशिश करें। अगर आपने ख्वाब देखा कि आपने हाथी को मारा है तो इस ख्वाब की कोई अच्छी ताबीर नहीं है, बदकिस्मती से आपकी लापरवाही की वजह से आप बहुत से अच्छे और बेहतरीन मौके से महरूम हो जाएंगे। ख्वाब में काला हाथी देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप जल्द ही एक ख्याल को अमली जामा पहनाएंगे जिसके बारे में आप तवील अरसे से सोच रहे हैं और इसका एक तसल्ली बख्श नतीजा सामने आएगा। ख्वाब में एक नीला हाथी बताता है कि जल्द ही अच्छे लोग आपकी जिंदगी में दाखिल होंगे। अगर आपने ख्वाब में सुरमई हाथी देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी है और आपको अचानक और अजीम मौजे की इतला देती है। गुलाबी हाथी एक इंतबाह है, अगर आप हाल ही में अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बेहतर है कि इजाफी अखराजात को रोक दें ताकि मुस्तकबिल में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप हाथी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो ये ख्वाब इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपना ज्यादातर वक्त फजूल कामों में सर्फ करते हैं। दरहकीकत आप ऐसे मसाइल में मुलव्वस रहे हैं जिन्होंने आपको असल रास्ते से भटका दिया है। ख्वाब में एक सफेद हाथी इस बात का इशारा हो सकता है कि आप मुआशी और माली मामलात के हवाले से बेहतर सूरत हाल पाएंगे और अच्छी पोजीशन में होंगे। अगर आपने ख्वाब में सुर्ख हाथी देखा तो यह ख्वाब अच्छी ताबीर नहीं रखता, यह तबाही और बर्बादी और बेइज्जती की अलामत है।
अगर आपने ख्वाब में सुनहरी हाथी देखा है तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। ये ख्वाब एक अजीम और नुमाया तरक्की की अलामत है। अगर आपने ख्वाब में जामनी रंग का हाथी देखा तो ये ख्वाब किसी नए पेशे और मुलाजमत में आने की अलामत हो सकता है। अगर आपने इस शोबे में कोई फैसला किया है तो इस पर अमल दरामद जरूर करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने ख्वाब में हाथी को पानी में देखा तो इस ख्वाब की ताबीर किसी जानने वाले की तरफ से हिमायत की तरफ इशारा करती है। परेशान ना हो, जल्द ही आपकी मदद की जाएगी। अगर आपने अपने ख्वाब में हाथी को खतरनाक और बहुत गुस्से में देखा तो इसका मतलब है उदासी, गम और नदामत। अगर आपने ख्वाब में हाथियों का जोड़ा एक साथ देखा तो इसकी ताबीर मियाँ बीवी के दरमियान बेपनाह और बाहमी मोहब्बत की अलामत है। अगर ये ख्वाब देखते हुए आपको इन जानवरों के बारे में अच्छा एहसास है तो इसका मतलब है दौलत हासिल करना, अच्छी नौकरी और जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ। अगर आपको इस ख्वाब के दौरान बुरा एहसास होता है तो इसका मतलब एक बहुत ताकतवर दुश्मन की मौजूदगी है और बुरे वाक्य की खबर हो सकती है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि हाथी ने आप पर या किसी और पर हमला किया है तो ये आपके करीब किसी खतरे की तंबीह हो सकती है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप हाथियों के एक बड़े रेवड़ से भाग रहे हैं तो आपको अपने दुश्मनों और हरीफों से नुकसान का डर है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप हाथियों को खाना खिला रहे हैं तो एक बहुत बड़ा और अहम मुनाफा आपका मुंतजर है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप हाथी को दूध पिला रहे हैं तो इसकी ताबीर आपकी आमदनी और दौलत में इजाफे की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।